हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद KTM ड्यूक 250 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई KTM ड्यूक 250 का क्या हुआ, TFT डिस्प्ले वाली आ रही है नहीं आ रही है, कब तक बाइक लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में, क्या चेंजेस हो सकता है। KTM ड्यूक 250 अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, क्या बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है, ऐसे आप लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। दोस्तों, आज के वीडियो में यही बात करने वाले कि KTM की ड्यूक 250 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी, कितना प्राइस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं KTM ड्यूक 250 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं KTM की ड्यूक 250 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या KTM की ड्यूक 250 डिसकंटिन्यू हो गई है। तो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, भाई कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे लोग सोच रहे थे कि KTM की ड्यूक 250 डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गई। इसका रीजन ये कि ड्यूक 250 अभी आप लोगों को ज्यादातर शोरूम में अवेलेबल नहीं मिल रही है। भाई इसका ये रीजन नहीं कि वो डिसकंटिन्यू हो गई, इसका रीजन ये है कि KTM की कोई भी बाइक्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी काफ़ी कम चल रही है। KTM की नहीं, बजाज की भी बाइक जो है काफ़ी कम मैन्युफैक्चर हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है यार, चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे जो पार्ट्स है वो इंडिया में नहीं आ पा रहे और बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर होते जा रही है। यही रीज़न है कि बाइक का जो अभी प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो चुका है, इसलिए बाइक अवेलेबल नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं हुई, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। अब बात करते हैं अपकमिंग KTM ड्यूक 250 के बारे में। देखिए, आपको बताया दोस्तों, KTM की ड्यूक 250 में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि बाइक में क्या क्या अपडेट कर सकता है KTM और क्या क्या नई चीज़ें आएगी, और बहुत दिनों से हम वेट भी कर रहे हैं ड्यूक 250 का, अपकमिंग ड्यूक 250 का। दोस्तों, चेंजेस में फिलहाल देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि भाई फिलहाल KTM की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो भाई अब बाद में अगर आपको लगेगा कि फेक वीडियो है तो फिर आप जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें KTM ड्यूक 250 के चेंजेस के बारे में। सबसे पहला चेंज हर कोई जानता हुआ है, इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। देखिए, अभी फिलहाल आपको KTM ड्यूक 250 में जो स्पीडोमीटर मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है, फुली डिजिटल मीटर के साथ में आता है, नो डाउट काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई, चीज़ें अच्छी होने के साथ साथ अच्छी दिखनी भी चाहिए, ठीक है। अब KTM ड्यूक 250 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें फीचर्स तो आपको पूरे मिलते हैं लेकिन वो उतना प्यारा नहीं लगता। तो आपको बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम जो KTM ने अपनी RC 200 एंड RC 125 में जो एडवेंचर 250 में LCD वाला डिस्प्ले आता था वो यूज़ किया है और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है और उसमें भी फीचर्स आपको पूरे मिल जाएंगे। तो वो वाला सेम स्पीडोमीटर आपको अब अपनी नई वाली ड्यूक 250 में देखने को मिल जाएगा, सबसे पहला चेंज। नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो है इस बाइक का ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जब कंपनी कोई भी बाइक में कुछ चेंज करती है तो कलर एंड ग्राफिक ऑप्शन में ज़रूर काम करती है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, KTM की ड्यूक 250 में अब आप लोगों को नया कलर एंड नया ग्राफिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है भाई, KTM हो या कोई भी ब्रांड हो, जब भी अपनी बाइक में वो चेंजेस करते हैं तो कलर एंड ग्राफिक में ज़रूर काम करते हैं, तभी हमें पता चल पाती है कि ये नई मॉडल है, नई बाइक हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल गई है। बात करें इस बाइक के नेक्स्ट चेंजेस के बारे में दोस्तों, तो है इस बाइक का सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या चेंज किया जाएगा? अभी आप लोगों को KTM ड्यूक 250 में फ्रंट में WP के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। देखिए, WP के अपसाइड डाउन सस्पेंशन बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि WP के इनके और भी अच्छे वाले WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन भी इंडियन मार्केट में आ चुके हैं, जो कि लास्ट टाइम नई वाली RC में यूज़ किए हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, वो जो नए वाले सस्पेंशन है आप लोगों को नई वाली ड्यूक 250 में देखने को मिलेंगे, मतलब इस बाइक के जो सस्पेंशन है अब और भी बेटर होने वाले हैं। बात करिए दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए, ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर फिलहाल अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन इसके चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, KTM कभी भी क्या करता है, अपनी सभी बाइक्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रखता है, ज़्यादातर ये चीज़ मैंने देखी है सेम रखता है। अब रीज़न वही होगा कि भाई KTM अपनी सभी बाइक को काफ़ी प्रीमियम बनाना चाहता है। तो लास्ट टाइम जो RC 200 एंड RC 125 में नया वाला आपको ब्रेकिंग प्लेट देखने को मिला होगा, ठीक है, जिसमें बीच में जो स्पेस है वो पूरी तरीके से हट गया, जिसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि भाई जो ब्रेकिंग है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। सेकेंड जो बेनिफिट है वो है कि बाइक जो है थोड़ी लाइट वेट हो गई है, और KTM की बाइक्स हमेशा लाइट वेट होती है, और जितनी ज़्यादा लाइट वेट होगी बाइक की परफॉर्मेंस भी आपको
आपको उतनी बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो हो सकता है दोस्तों कि अब आप लोगों को नई वाली KTM Duke 250 में नए वाले ब्रेकिंग प्लेट्स देखने को मिल जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या सीट्स को लेकर थोड़ा KTM काम कर सकता है। जी हाँ, इसके भी ज़्यादा चांसेस है कि KTM अपनी जो नई वाली RC125 में प्रीमियम सीट यूज़ की है अपनी तरफ से, वो सेम सीट आप लोगों को KTM की Duke 250 में देखने को मिल सकती है। बात कर ले दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, तो फिलहाल कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बाइक को इंडियन मार्केट में दिवाली के समय उतारा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि दिवाली के समय KTM इन बाइक को उतार दे और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दे। अब कौन कौन भाई KTM Duke 250 का वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बात कर ले दोस्तों प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस जाएगी, तो फिलहाल कोई ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन देखिए अभी जो Duke 250 मिल रही है उसका जो प्राइस है, मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 10,000 रुपये के आसपास का बढ़ेगा। जी हाँ, 10,000 के आसपास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे कम तो नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई KTM एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है और आए दिन इनका प्राइस बढ़ता जाता है, तब तक तो ऐसे भी प्राइस बढ़ जाएगा और मुझे ऐसा लगता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।